दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर ग्वालियर से है, जहां के इंदरगंज थाना इलाके के शिंदे की छावनी में स्थित एक होटल से युवक का अपहरण कर उसे दिल्ली स्थित एक जिम्मे बंधक बनाकर रखा गया और आरोपियों के द्वारा युवक को जान से मारने की प्लानिंग की गई। लेकिन ग्वालियर पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते न सिर्फ युवक को आरोपियों से छुड़ा लिया गया, बल्कि इस दौरान घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है और उनके कब्जे से अवैध हथियार और युवक की स्कूटी, इसके साथ ही घटना में उपयोग की जाने वाली कार को भी बरामद कर लिया गया है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए एसएसपी अमित सांघी ने बताया कि गत दिन इंदरगंज थाना इलाके में रहने वाले चतुर्भुज ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनका पुत्र घर से दोस्तों से मिलने के लिए निकला, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। वहीं जानकारी की तस्दीक करते हुए पुलिस ने जब विवेचना शुरू की तो पता चला कि सिंधे की छावनी स्थित होटल में युवक अपने चार दोस्तों से मिलने गया था। आरोपी यहीं से स्विफ्ट कार के जरिए युवक का अपहरण किए और उसे स्थित दिल्ली की जिम में ले गए, जहां डरा और दौड़ धमकाया गया। वहीं युवक के पिता के मोबाइल पर मैसेज भेजा गया कि उनका बेटा दिल्ली में है, जिस पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। पूछताछ में जानकारी मिली है कि आरोपियों के द्वारा युवक के साथ दिल्ली में कोई स्टार्टअप का काम शुरू किया गया था, लेकिन युवक के द्वारा बीच में ही काम छोड़ दिए जाने के बाद इनका लेन देन का हिसाब था और इसी हिसाब को पूरा करने के लिए आरोपियों ने युवक का अपहरण कर जान से मारने की प्लानिंग बनाई थी। पुलिस के द्वारा आरोपियों की इस मामले में तलाश की जा रही है, जिसके लिए पुलिस की टीम दिल्ली भेजी गई है। एसएसपी ने बताया कि पूरी घटना में युवक की जान को खतरा था, इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई कर उसे आरोपियों से मुक्त करा दिया है। ये शिंदे की छावनी में रहने वाले एक परिवार ने थाने में आकर शिकायत की कि उनका लड़का जो है गुम गया है। उस पे से पुलिस ने तहकीकात आरम्भ की, पर इसी दौरान लड़के के पिता को मोबाइल पर कुछ मैसेज आए जिसमें लड़के ने ये बताया कि वो दिल्ली में है और उसको जिम में रखा गया है और साथ ही उसको उसके जो लोग लेके गए हैं उन्होंने बंधक बना के रखा है और उनके पास अवैध हथियार भी हैं जिससे वो उसको गोली मार सकते हैं। ये सूचना बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी और 364 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण चार लोगों के विरुद्ध कायम किया गया और रात में ही पार्टी दिल्ली निकाली गई और दिल्ली में जाके लोकल पुलिस की मदद से जब संभावित जो स्थान था वहाँ पे रेड की गई तो ये अपहृत युवक वहाँ पर मिल गया और उसके साथ दो आरोपी भी मिले हैं और साथ में एक कट्टा दो राउंड भी मिले हैं। वह कार जिससे इसको लेके गए थे वो भी जब्त हुई और इसकी लड़के की स्कूटी ये दिल्ली तक चला के ले गए थे वो भी जब्त हुई है। और इसमें कहानी ये है कि ये जो लड़का है अपहृत, इसकी आरोपी गणों से फेसबुक पर बहुत पहले वार्तालाप हुआ, पहचान हुई और ये भी कुछ नहीं कर रहा था तो दिल्ली ये चला गया। यहाँ जाके इन्होंने कोई एक स्टार्टअप कोई कंपनी इन्होंने चलाई सोशल ये अपना ऑनलाइन, और इसमें जो है इनका कुछ लेन देन का जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, लड़के ने बीच में काम छोड़ दिया। तो ये लोग सभी यहाँ पर आए, इंदरगंज स्थित एक होटल में रुके, इसको बुलाया और इसको ज़बरदस्ती दिल्ली लेकर चले गए और इसमें दो आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दो आरोपी अभी फरार हैं और अभी प्रथम दृष्टया ये जानकारी है कि एक आरोपी के विरुद्ध एक संगीन लूट का अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज है जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और दूसरे आरोपी का भी क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसे भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। और इसमें पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की, एडिशनल एसपी साउथ, सीएसपी इंदरगंज, टीआई इंदरगंज और उनकी टीम ने, अन्यथा इस बात की पूरी संभावना थी कि लड़के के साथ कोई गंभीर वारदात भी घटित हो सकती थी।